दोस्तों आपने यकीनन एसएस राजामौली की ट्रिपल आर मूवी तो देखी होगी जिसने रिलीज होते ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। अब ट्रिपल आर पार्ट 2 को लेकर ऑफिशियल अपडेट आई है और ये अपडेट ट्रिपल आर मूवी के राइटर एसएस वजेंद्र प्रसाद से आई है जो की एसएस राजामौली के वालिद हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे रिलेटेड न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों जैसे की ट्रिपल आर मूवी को 550 करोड़ के बड़े बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना दिए थे। बात यहां पर खत्म नहीं होती बल्कि जब इस मूवी को ओवरसीज में चलाया गया तो वहां पर इस मूवी को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इस मूवी ने ऑस्कर भी जीत लिया। इसके बाद बहुत से हॉलीवुड के एक्टर्स ने ट्रिपल आर मूवी की तारीफ भी की। इसी रिस्पॉन्स को देखते हुए एस एस राजामौली के वालिद विजेंद्र प्रसाद ने ट्रिपल आर पार्ट 2 को कन्फर्म कर लिया है। विजेंद्र प्रसाद ने लिखा है की ट्रिपल आर पार्ट 2 कन्फर्म, लेकिन यहाँ पर मसला है की ट्रिपल आर 2 को एस एस राजामौली डायरेक्ट नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राजामौली SS MB 29 मूवी में मसरूफ हैं, लेकिन ट्रिपल आर 2 में SS राजामौली बिल्कुल भी हाथ नहीं उठा रहे, बल्कि SS राजामौली ट्रिपल आर 2 में बाकी जो भी डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा उसकी हेल्प करेंगे और ये बात खुद विजेंद्र प्रसाद ने कही है। बाकी कास्ट में रामचरण और जूनियर NTR कन्फर्म है। बाकी आप लोग ट्रिपल आर के पार्ट 2 के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कॉमेंट में जरूर बताए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।